morning, all of you. I am Anjali, your English teacher from Mac Vision Group of School. Welcome to all in our English class. Today we are going to start our lesson, and the name is Pride and Prejudice. It is a very romantic novel, and it was written by Jane Austen. Jane Austen is a writer, and this story is set in a rural England in the early 19th century. ये स्टोरी सेट की गई है रूरल इंग्लैंड में और ये लिखी गई है 19th सेंचुरी में एंड इट फॉलोज द बैरेट फैमिली. इसके अंदर जो सीन चल रहा है बेटा वो बैरेट फैमिली का चल रहा है विच इंक्लूड्स फाइव वेरी डिफरेंट सिस्टर जो कि अलग अलग पांच बहनें हैं सबका अपना अलग अलग जो है वो बिहेव है एंड मिसेस बैरेट इज एंशियस टू सी ऑल हर डॉटर मैरिड. अब जो मिसेस बैरेट है जो कि मदर है ना वो बहुत ज्यादा वरीड है ना किस चीज को देखने के लिए अपनी डॉटर्स की शादी को देखने के लिए और वो ये चाहती है कि उनकी जो डॉटर्स की जो शादी है बहुत ही अमीर जो है वो फैमिली में हो. सो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एवर्स की राइटिंग के बारे में देख लेते हैं. जेन ऑस्टन है वो 1975 कुछ फेमस जो है वो नॉवेल्स है जिसमें से प्राइड एंड प्रेजुडाइस सबसे फेमस इनकी जो है वो नॉवेल है. ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. इसमें कुछ कैरेक्टर्स है जैसे एलिजाबेथ बैनेट जैन बैनेट मिसेस बैनेट कैरेन बिंगले. और ये जो स्टोरी लिखी गई है ये स्टोरी जिसमें आपको शो हो रही है ये एज ए कॉमिक टाइप में कॉमिक्स आपने पढ़ी होगी ना कार्टून टाइप में उस टाइप में स्टोरी आपके इसके अंदर है. देखिए एवर सिंस हिज अराइवल इन द नेबरहुड मिसेस बेंगले फुल्ली होप दैट हर एल्डेस्ट डॉटर जैन वुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द वेल्थी मिस्टर बेंगले. जब उनके पास में जो है वो पड़ोस में एक नेबरहुड जो है उनके मिस्टर बेंगले जो आते हैं तो मिसेस बेनेट की वो ये होप करती है क्योंकि सबसे बड़ी बेटी की जो है अटेंशन उसके ऊपर पड़े है ना मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करें है ना ताकि शादी हो जाए. क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि मिसेस बेनेट का बस अभी एक ही काम है कि किसी प्रकार से उनकी बेटी उनकी क्या हो जाए शादी हो जाए और अच्छी फैमिली के अंदर हो जाए. वेल जैन हु इज इट फ्रॉम जैन वो कहाँ से है व्हाट इज अबाउट व्हाट डज ही से उन्होंने क्या कहा मेक हैस्ट एंड टेल अस कहते जल्दी करो बताओ मुझे सब कुछ बताओ उनके बारे में. माई डियर फ्रेंड अब इसमें एक लेटर जो है वो लिखते हैं कैरोलिन बिंगले जो सिस्टर है मिस्टर बेनेट मिस्टर बिंगले की है ना वो एक लेटर इसके अंदर लिख रही है जबकि आपको दो बुक में दिखाई दे रहा होगा है ना. अब वो उस लेटर को रीड करते हैं कि माई डियर फ्रेंड इफ यू आर नॉट सो कंपनसेट एज टू एज यू ट्राई टू डी विथ लूसिया मी कहते हैं कि अगर आप मेरे और जो लूसिया के साथ में जो है किस चीज के लिए आने के लिए अगर दया नहीं करते हैं वी शैल बी इन डेंजर हेडिंग ईच अदर फॉर रेस्ट ऑफ आवर लिव्स तो पूरे जो हमारा लाइफ बचा हुआ है उसमें हम एक दूसरे से क्या करते रहेंगे नफरत ही करते रहेंगे. फॉर हो होल डे टेक टैट अ टैट बिटवीन टू वुमेन कैन नेवर एंड विदाउट अ क्वारल क्योंकि जो दो औरतें हैं ना उनकी जो टैट आई है वो आई है झगड़े के लिए. ये साउंड प्रोड्यूस की गई है कि जो झगड़ती है जो टैट टैट लाइक जो है वो साउंड आती है तो कहती है कि जो दो औरतें होती है जो उनके झगड़े होते हैं है ना टैट जो होती है वो केवल झगड़ों पे तो खत्म नहीं हो सकती है. सो कम एज सून एज यू कैन रिसीव ऑफ दिस जब जैसे ही तुम मेरा लेटर मिलता है तो आओ हमारे यहाँ माई ब्रदर एंड जेंटलमैन आर टाइम विद द ऑफिसर्स मेरा भाई और जो दूसरे जो लोग हैं वो लोग कहाँ पर गए हैं ऑफिसर्स के साथ में डिनर करने. योर्स एवर कैरोलिन बिंगले तुम्हारी हमेशा कैरोलिन बिंगले. अब इनविटेशन कार्ड आया है तो मदर मे आई हैव द कैरेज व्हेन आई गो अब जैन जो है वो मदर से पूछती है कि क्या मैं कैरेज में चली जाऊँ मैं घोड़ा गाड़ी के अंदर चली जाऊँ. नो माई डियर यू बेटर गो ऑन हॉर्स बैक कहते नहीं नहीं तुम घोड़े गाड़ी में मत जाओ बल्कि तुम घोड़े के ऊपर बैठ के जाओ. That would be a good scheme if you are sure they it seems like to rain and then you must stay all night. अब मैं मन में सोच रही है
बरसात भी हो रही है और अगर ये उधर जाती है कहाँ पर मिस्टर बैग लेके जाती है और रात में अगर तेज बरसात होती है तो ये किसमें जा रही है हॉर्स के ऊपर बैठ के जा रही है। जाहिर सी बात है जब बहुत तेज बरसात होगी तो उसमें तो वापस आ नहीं सकती। तो वो यही चाहती थी उसकी मदर कि वो बैग लेके घर पे जो है वो रात भर रुके, वो एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे से बातें करे, है ना, एक दूसरे को पसंद करे। तो उसकी मदर जो है वो उसको कैरेज में ना भेज के कहाँ पर भेजती है घोड़े के घोड़े के ऊपर। दे वुड बी अ दैट वुड बी अ गुड स्कीम इफ यू आर श्योर दे वुडंट सेंड हर होम। अब वो कहती है कि ये बहुत ही अच्छी स्कीम है क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादा लेट हो जाएंगे, बरसात का जो मौसम हो रहा है उसमें वो उसको वापस तो रात में भेजेंगे नहीं। इट वुड मच रादर इन द पोस्ट, कहते पोस्ट से तो बढ़िया यही है कि वो उसको घोड़े पर भेजे। बट माई डियर योर फादर कैन नॉट स्पेयर द हॉर्सेस, लेकिन तुम्हारे फादर के पास में जो ना जो है वो ज़्यादा घोड़े नहीं है। अ लिटिल आफ्टर जैन लेफ्ट होम इट बिगेन टू रेन हार्ड। अब जैसे वो घोड़े ऊपर बैठ के जा रही होती है बरसात शुरू हो जाती है, बहुत ही तेज बरसात स्टार्ट हो जाती है। द रेन कंटिन्यूड द होल इवनिंग विदाउट इंटरमिनेशन, जैन कंटिन्यूड सडनली कुड नॉट कम बैक। अब इतनी तेज बरसात होती है बिना रुके हुए बरसात होती है तो उसकी मदर सोचती है कि अब तो जैन जो है वापस नहीं आएगी। हर सिस्टर वर अनइजी फॉर हर, लेकिन उसकी जो सिस्टर है ना एलिजाबेथ वो उसके बारे में बहुत ही वरीड होती है, उसको सही नहीं लगता है। बट हर मदर वॉज डिलाइटेड दैट हर प्लान वॉज वर्क सो वेल, लेकिन उसकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसका जो प्लान था है ना वो काम कर गया। अब इसमें एक और लेटर है कि माय डियरेस्ट पीएसी व्हिच आई फाइंड माय सेल्फ वेरी अनवेल दिस मॉर्निंग। अब जैन जो है ना वहां पहुंच जाती है, जाहिर सी बात है रात में भीगते हुए गई है तो बीमार तो होगी, तो अपनी फैमिली को एक लेटर लिखती है कि आई फाइंड माय सेल्फ वेरी अनवेल दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैंने अपने आप को बहुत ही अनवेल पाया मतलब बीमार पाया। विच आई सपोज इज टू बी इम्पुटेड टू माई गेटिंग बैक टू यस्टरडे, ऐसा लगता है कि कल रात कल जो मैं भीगी हूँ शायद ये उसके कारण हुआ है। माई काइंड फ्रेंड्स विल नॉट हियर ऑफ माई रिटर्निंग टिल आई एम बेटर, कहते हैं कि मेरे जो दयालु ये दोस्त हैं ये नहीं चाहते कि जब तक मैं ठीक हो जाऊँ वापस जाऊँ। दिस दे इंसिस्ट ऑल्सो ऑन माई सीइंग मिस्टर जॉन्स, और ये जो है मुझे बाधित भी कर रहे हैं, मैं फोर्स भी कर रहे हैं कि मैं मिस्टर जॉन के साथ में देखूँ। देयर फोर डू नॉट बी अलार्म इफ यू शुड हियर इफ ऑफ इज हैविंग बीन टू मी, तो जब तुम्हें इसके बारे में पता चले तुम्हें सुनाई दे तो तुम ज़्यादा जो है वो मत सोचना। एंड एक्सपेक्टिंग अ शोर थ्रोट एंड हेडेक, बस जो है वो मेरे क्या है गले में प्रॉब्लम है और सिर में दर्द है। देयर इज नॉट मच द मैटर विद मी, और मेरे साथ कुछ ज़्यादा नहीं है। वेल माय डियर इफ द जैन वाज डेंटली इल और डाइज इट वुड बी कम्फर्ट टू नो दैट इट वाज ऑल इन परसुएड ऑफ मिस्टर बेरी। अब एलिजाबेथ जब एलिजाबेथ ने पढ़ा लेटर पढ़ा तो उसके जो फादर हैं और वो बोलते हैं कि शायद वो बीमार है बहुत भयानक और हो सकता है कि इतनी ज़्यादा कोल्ड उसको हो रहा है कि मर भी जाए। एंड वुड बी कम्फर्ट टू नो दैट इट वॉज ऑल इन परसुएड ऑफ मिस्टर बेंगली, और ये सब कुछ किसके कारण हुआ है मिस्टर बेंगली उनको रोक लिया उन्होंने। ओ पीपल डू नॉट डाई ऑन इट ट्रिफरिंग कोर्स, सी विल बी वेल टेकन केयर ऑफ देयर। अब उसकी मदर क्या बोल रही है कि कोर्स से कौन मरता है, वो सब लोग उनकी उसकी जो है वहाँ पर देखभाल कर रहे हैं। एलिजाबेथ फीलिंग एंसियस वॉज डिटरमाइंड टू गो हर सिस्टर, एलिजाबेथ बहुत ज़्यादा वरीड थी अपनी सिस्टर के लिए, जब वो गई थी तभी वरीड थी वो, तो अब सुन के तो और ज़्यादा वरीड हो गई। तब उसने सोचा कि वो उससे मिलने के लिए जाए। द कैरियज वॉज नॉट अवेलेबल, लेकिन कैरियज तो नहीं था। एंड शी वॉज नो हॉर्स वुमेन, अब हॉर्स वुमेन भी नहीं थे जिस जैन तो हॉर्स वुमेन बैठ के चली गई थी, लेकिन एलिजाबेथ को तो घोड़ा चलाना नहीं आता था। वॉकिंग वॉज हर ओनली अल्टरनेटिव, अब उसके पास तो एक ही केवल था और वो क्या था कि वो उसके ऊपर घोड़े सॉरी पैदल ही जाए। हाउ कैन यू सो सिली, हाउ विल नॉट बी फिट टू बी सीन व्हेन यू गेट देयर, अब उसकी मदद चलाती है तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो, तुम बिल्कुल भी जो है वहां पर जाने के वो नहीं फिट नहीं हो। आई शैल बी फिट टू सी जैन व्हिच इज ऑल आई वांट, बिल्कुल मैं उससे मिलने के लिए फिट हूं और मैं बिल्कुल उससे मिलने के लिए चाहूंगी। दिस इज अ हिंट टू मी डीजी टू सेंड फॉर द हॉर्सेस, अब उसका फादर बोलता है क्या इसमें कोई हिंट देके गई है कि मुझे घोड़े
पास मोटिव है ना किसी चीज किसी काम को करने के लिए, तो जो दूरी है वो ज्यादा नहीं है, केवल 3 ही मील तो है। आई शैल बी बैक बाय डिनर, मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगी। अब यहाँ तक तो जो सीन था बेटा वो चल रहा था कि जब वो एलिजाबेथ जो है वो जाने के लिए तैयार हो जाती है जेन से मिलने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीन देखेंगे जब वो जेन से मिलती है और फिर वहां का जो सीन है वो क्या चलता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक जहां तक आपको मैंने रीड करवाया है लेसन, तो आप यहाँ तक रीड कीजिएगा और समझिएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।